थर्ड वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड 5th लेसन नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। जैसे हम यहाँ पर जो है यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। मैम ने आपको जैसे बोला था कि फूड प्रोसेस जो है वो एक डाइजेशन से पास होता है, यानी कि हम जो फूड को माउथ में लेते हैं तो माउथ से लेने से लेकर स्टमक में पहुंचने तक कितनी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आती है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि हमने जो फूड है वो हमारे माउथ में रख दिया, च्यू कर लिया, वो डायरेक्ट स्टमक में चला गया और हमें एनर्जी आ गई, इस तरीके से नहीं होता है। ये जो है एक प्रोसेस होता है, वो मैम आपको यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं। आप जैसे देख सकते हो ये जो है एक स्केलेटन, ये जो स्केच है वो किसका है, एक ह्यूमन बॉडी का, ये नहीं है हमारी बॉडी का ये स्केच है। और ये जितने भी आप इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि ये जो ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें होती है। और हमारा जो फूड है जो हम खाते हैं वो फूड हमारा ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम जो इसको सिंपल लेंगे, आपका फर्स्ट स्टेप है, तो हम इसमें से कुछ सिंपल चीजें उठाएंगे। जैसे कि मैम आपको बोलेंगे कि यहाँ पर देखो ये है माउथ, सबसे पहले जो प्रोसेस है, अगर आपको पूछेंगे कि डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो है हमारा माउथ। जैसे ही हम फूड को हमारे माउथ में रखते हैं, ओके, तो यहाँ से देखो सलाइवरी ग्लैंड, हम जब उसको च्यू करना स्टार्ट, यानी कि वो फूड को जब हम खाना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ने अभी तक अगर ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप उसको केयरफुली अब ऑब्जर्व कर सकते हो। आप जब भी कुछ खाओ तो आप उसको इमेजिन ऑब्जर्व करो कि जब आप खाते हो तो सडनली जो भी पीस आप खाते हो उसमें क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो लिक्विड क्या होता है, वो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से ये एक पार्ट होता है, वो अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ से हमारा सलाइवा यानी कि वो लिक्विड जो है वो यहाँ से आता है। ओके, वो आके कहाँ मिक्स हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ इन द माउथ इन द विद द फूड, फूड से वो मिक्स होता है और फूड को वो क्या करता है, हमारे माउथ में ही स्मॉल स्मॉल पीसेस करने में हेल्प करता है। फिर वहां से यहाँ पर एक पाइप होती है, ठीक है, उसको हम लोग एसोफेगस भी बोलते हैं, लेकिन आपको सिंपल टर्म रखना है वो है हमारा फूड पाइप। यहाँ पर दो पाइप होती है, एक होती है वीट पाइप जिससे हम ब्रीथ करते हैं और एक होता है हमारा फूड पाइप, वो जो माउथ में से जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ से स्वेलो करते हैं ना, तो वो हमारे थ्रू नेक जाता है। तो यहाँ पर एक पाइप प्रेजेंट होती है, वो पाइप से होकर वो कहाँ जाता है, इन द स्टमक, वो हमारे स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद वहां पर जो है डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि कुछ एसिड्स होते हैं वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो फूड जाकर कहाँ मिल जाता है, हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक में से वहां पर दो प्रोसेस होते हैं, एक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और एक आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जो यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हो ये है हमारा इंटेस्टाइन, ये दो कलर्स के है, यहाँ पर देखो एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल और लार्ज अगर बोलोगे तो आपको साइज के हिसाब से नहीं जाना है, अगर आप ये देखोगे तो आप बोलोगे कि ये बड़ी दिख रही है तो ये लार्ज होनी चाहिए और ये स्मॉल है तो ये स्मॉल होनी चाहिए, तो आपको जो है वो साइज के हिसाब से नहीं जाना है। अंदर ये जो होती है इनसाइड वो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और बाहर की तरफ है वो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जो सबसे पहले जाता है वो है वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, क्लियर है आपको, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड जो है ये प्रोसेस से यहाँ पर से गुजरता है। ओके, और वो जो है कम्प्लीटली वो लिक्विड बनता जाता है फूड हमारा, हमारा जो फूड हम खाते हैं वो अंदर वैसे के वैसा ही नहीं रहता है, वो फूड बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो ग्लास को पानी से भरकर एक में आप स्टोन डालो और एक में आप शुगर या सॉल्ट डालो, ठीक है, तो जो स्टोन होगा वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो शुगर या सॉल्ट आप डालोगे वो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम फूड हमारे स्टमक में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे स्टमक में जाके कम्प्लीटली डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें चला जाता है, और फिर वहां से वो क्या हो जाता है, वेस्ट यानी कि थ्रू द एनस इट कम्स आउट थ्रू अवर बॉडी। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉम माउथ, माउथ में हमारा होता है सलाइवरी ग्लैंड, वहां से हम जाते हैं फूड पाइप में, फूड पाइप से जाता है वो हमारे स्टमक में, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन द एनस व्हिच इज द वेस्ट प्रोडक्ट, और वो कहां जाता है, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। इसको और इजी आपको बताते हैं, फ्लो चार्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लो चार्ट। देखो यहाँ पर जैसे कि हमने फूड लिया, हमने माउथ में डाला, ठीक है, माउथ से वहां पर वो कहाँ मिक्स होता है, सलाइवा, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स होता है, वहां से हमारा खाना हम पूरा कंप्लीटली मुंह में चबा लेते हैं, स्मॉल पीसेस हो जाता है, फिर वो फूड पाइप से कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में, ओके, स्टमक से यहाँ पर आ जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैम एक बात आपको क्लियर करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, हम फूड जो भी फूड खाते हैं तो क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मिल्क ले लिया, ठीक है, आपने मिल्क खाया, या फिर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स ही खाते हैं, तो क्या वो वेजिटेबल जो है हमारी बॉडी में मिलते हैं? यस, हम बोलते हैं ना कि कुछ वेजिटेबल्स हमें प्रोटीन्स देते हैं, कुछ मिनरल्स देते हैं, कुछ आयरन देते हैं, तो ये सारे जो एनर्जी होती है ना फूड में, वो कहाँ पर मिलती है, जब हमारा स्टमक में से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो जितनी ये एनर्जी होती है फूड में से, वो एनर्जी सारी निकल कर कहाँ चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे बात समझ में आप लोगों को, जो प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ये सारी चीजें कहाँ रह जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फूड होता है जिससे वो सेपरेट हो जाती है, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है, वो हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है, यानी कि हमारे वो खून में चली जाती है। और ब्लड तो पता है आपको, इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी एवरीवेयर, पूरी बॉडी में हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है ना, तो ये जो है ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है, यहाँ से हमारे ब्लड में, और हमारे ब्लड से हमारी पूरी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और जो चीज हमें बच जाती है, यानी कि जो खाना हमारा बच जाता है, एक्स्ट्रा होता है, वो चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ आ जाता है, जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, और फिर वो बॉडी के बाहर आ जाता है। समझ में आया? तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है, यानी सारा हम खाना खाते सारी एनर्जी मिल जाती है, हमें ऐसा नहीं होता है, फूड हमारे स्टमक में जाके दो में डिवाइड हो जाता है, सारी एनर्जी यहाँ चली जाती है जो ब्लड में मिक्स होती है, और जो बॉडी को नहीं चाहिए वो चला जाता है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है। ओके, तो होप आप लोगों को ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैम ने जो डायग्राम बताया है और ये फ्लो चार्ट बताया है, वो आपको इजीली क्लियर हुआ होगा कि डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।